5 lessons from Your Right to be Rich by Napoleon Hill। Your Right to be Rich book के author है Napoleon Hill। Hill best selling author भी हैं Think and Grow Rich book के। Your Right to be Rich 1930 में publish हुई थी। इस book के detail analysis करेंगे। सारे important strategies को stories की help से समझाने का प्रयास किया है। जैसा कि wealth build कैसे करें, financial success कैसे मिलेगा, चाहे आप wealth building की journey start कर रहे हों या अपने ग्रोथ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हो, ऑथर हिल ने बड़ी ही बारीकी से बुक में एक्सप्लेन किया है। इसको फॉलो करने से आपके ग्रोथ 10 गुना हो जाएगी। डियर फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है 5 लेसन्स फ्रॉम योर राइट टू बी रिच बाय नेपोलियन हिल। लेट्स एंजॉय द वीडियो। नंबर 1, डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस। ऑथर हिल का मानना है कि सक्सेस प्राप्त करने के लिए मन में एक क्लियर और डेफिनेट गोल होना सबसे इम्पोर्टेंट है। डेफिनेट गोल डिसाइड करने से हार्ड वर्क एंजॉयमेंट में बदल जाएगा और आप वर्क को एंजॉय करने लगोगे। अपने डेफिनेट पर्पस की पहचान करो और इसे प्राप्त करने के लिए आज से ही लग जाओ। एक ओल्ड मैन अपने एक छोटे से घर में रहता था। अपने लिविंग एक्सपेंसेस के लिए उसके पास $100 भी नहीं होते थे। 65 साल की उम्र में उन्होंने फैसला किया कि आई विल डिफाइन माई गोल्स। उसे याद आया उसकी माँ की रेसिपी और वह बेचने चला गया। दोस्तों ने उसकी बनाई चिकन रेसिपी की खूब तारीफ की। उन्होंने केंटकी लेफ्ट किया और अपनी रेसिपी बेचने की कोशिश करने के लिए अलग अलग राज्यों में ट्रेवल किया। उसने रेस्टोरेंट के ऑनर्स को बताया कि उनके पास मुंह में पानी लाने वाली चिकन रेसिपी है। उसने मुफ्त में रेसिपी एंड ट्रिक्स भी शेयर किया। अनफॉर्चुनेटली उसने 1000 से ज्यादा बार नो सुना। इतने सारे रिजेक्शंस के बाद भी उसने हार नहीं मानी। उसका मानना था कि मेरी चिकन रेसिपी में कुछ खास है। अपनी पहली यस सुनने से पहले उन्होंने 1009 बार रिजेक्शन सुना, फिर आई सफलता। कर्नल हार्टलैंड स्टैंडर्ड्स ने अमेरिकन्स के चिकन खाने के एक्सपीरियंस को बदल दिया और यही KFC के नाम से मशहूर ब्रांड KFC की कहानी लिखी गई। उन्होंने 65 साल की उम्र में अपने पर्पस को डिफाइन किया। क्या आपको आपका पर्पस मिला? अगर आप पर्पस फिगर आउट नहीं कर पा रहे तो अपने पैशन को ही फिगर आउट करो। आपका पैशन ही आपको पर्पस से मिला देगा। पैशन इज अ रूट टू सक्सेस। नंबर 2, फेथ। ऑथर हिल वेल्थ और मनी के लिए फेथ का होना कंपलसरी समझते हैं। वह लोगों से कहते हैं कि वे रिच होने के अपने राइट्स में विश्वास करें। रिच होना आपका अधिकार है। वेल्थ और मनी के प्रति आपका फेथ ही आपको रिच बनाता है। उस दिन से ही आपका माइंडसेट रिच हो जाता है। मनी और वेल्थ के प्रति ओल्ड थिंकिंग को बदलकर नई शुरुआत करें। रिच होना हम सबका अधिकार है। उस पर फेथ करें और अपने थॉट्स पर कंट्रोल करें। अपने गोल्स को स्पेसिफिक और यूनिक बनाएं और कब तक आप किसको हासिल कर लोगे इसका भी डेट डिसाइड करें। अपने गोल्स अचीव करने के लिए एक रोड मैप बनाएं और उन्हें छोटे छोटे वर्क में डिवाइड कर दें। अपने गोल्स को अचीव होते हुए देखिए और सक्सेस को विजुलाइज करके देखिए। जॉन और उसका बेटा फर्नांडिस एक साथ रहते थे। जॉन पेंटर थे और उनकी एक शॉप थी। उन्होंने दुकान से कभी कोई प्रॉफिट नहीं कमाया। जॉन अपने स्पेयर टाइम में अपने बेटे को पेंटिंग की ट्रेनिंग देते थे। ट्रेनिंग के टाइम उन्होंने उसे काम की इम्पोर्टेंस और अपने काम में बिलीफ रखने के बारे में भी सिखाया। उन्होंने अपने बेटे से कहा, हम जितनी पेंटिंग चाहते हैं उतनी नहीं बेच रहे हैं, लेकिन एक दिन हमारा काम सही लोगों तक पहुंचेगा। उस दिन से पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। जैसे जैसे समय बीतता गया उनके बेटे ने मूर्ति कला की पूरी कला सीख ली। वह पढ़ाई के साथ साथ अपने पिता की हेल्प कर रहा था। इलाके के दूसरे शिल्पकार अपने शॉप बंद करके दूसरा काम करने लगे। वे पिता को सलाह देते थे, यह काम छोड़ दो और इनकम का कोई अन्य सोर्स खोजो, आप इससे कभी नहीं कमाएंगे। लेकिन जॉन ने पेंटिंग बेचना कंटिन्यू रखा। एक दिन एक बिजनेसमैन अपनी कार में ट्रेवल कर रहा था और उसने सन की लाइट्स में पेंटिंग्स को सोने की तरह चमकते देखा। उसने रॉबर्ट से कहा, ये पेंटिंग बहुत अच्छी लग रही है, दूसरे देशों में इनकी काफी डिमांड है, क्या हम दोनों एक साथ बिजनेस कर सकते हैं? तुम पेंटिंग बनाते हो और मैं उसे बेचता हूँ। बिजनेस प्रपोजल से जॉन और फर्नांडिस खुश हुए। वे डील के लिए राजी हुए। उन्होंने और पेंटिंग्स बनानी शुरू की और उनके बेटे का कारोबार कई गुना बढ़ गया। फेथ एक इनर साउंड की तरह है जो हमें हमारे जीवन के पॉजिटिव गोल्स के बारे में याद दिलाती रहती है और यह हमें अपने लाइफ में किसी भी सिचुएशन में बिना हार माने आगे बढ़ने को मोटिवेट करता है। नंबर 3, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। आप चाहे किसी भी फील्ड में अपना करियर बनाएं, लेकिन स्पेशलाइज्ड नॉलेज लिए बिना एजुकेशन नहीं छोड़ना चाहिए। किसी एक स्किल को पकड़ लो और उसमें एक्सपर्टीज हासिल कर लो, फिर सक्सेसफुल होना थोड़ा इजी लगने लगेगा।
आप किसी स्पेशलाइज्ड नॉलेज पर्सन से ट्रेनिंग भी ले सकते हो। जब आपकी स्किल में स्पेशलाइजेशन होगी तो आपके क्लाइंट्स भी अप्रिशिएट करने लगेंगे। एक ह्यूज शिप का इंजन फेल हो गया। शिप के ओनर्स ने एक के बाद एक एक्सपर्ट से एडवाइस लिया, कोशिश की, लेकिन उनमें से कोई भी यह नहीं समझ सका कि इंजन को कैसे ठीक किया जाए। तब वे एक बूढ़े को ले आए जो बचपन से जहाज ठीक करता आया था। वह अपने साथ औजारों का एक बड़ा सा बैग ले गया और जब वह आया तो वह तुरंत काम पर चला गया। उसने इंजन का ऊपर से नीचे तक बहुत ध्यान से निरीक्षण किया। शिप के दो ओनर्स वहाँ थे, इस आदमी को देख रहे थे, उम्मीद कर रहे थे कि उसे पता होगा कि क्या करना है। चीजों को देखने के बाद बूढ़ा अपने बैग में हाथ फेरा और एक छोटा हथौड़ा निकाला। उसने धीरे से कुछ थपथपाया, देखते ही देखते इंजन में जान आ गई। उसने ध्यान से अपना हथौड़ा दूर रख दिया, इंजन ठीक हो गया था। एक हफ्ते बाद मालिकों को बूढ़े आदमी से $10,000 का इनवॉइस मिला। इसीलिए उन्होंने बूढ़े आदमी को यह कहते हुए एक नोट लिखा, कृपया डिटेल में भेजें। उस आदमी ने एक बिल भेजा जिसमें लिखा था, हथौड़े से थपथपाया $2। यह जानना कि कहां टैप करना है $9,998। प्रयास करना इम्पोर्टेंट है, लेकिन यह जानना कि कहां प्रयास करना है वहीं से गेम पलटना स्टार्ट होता है। अपने बिजनेस की ग्रोथ रखने के लिए स्पेशलाइज्ड नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। स्पेशलाइज्ड लोगों की टीम आपकी सक्सेस को और भी बढ़ा सकती है। नंबर 4, परसिस्टेंस। ऑथर हिल दूसरों की सक्सेसेस से सीखने और खुद को सक्सेसफुल लोगों से सराउंड योरसेल्फ करने पे जोर देते हैं। उनका सुझाव है कि सक्सेसफुल लोगों के हैबिट्स और स्ट्रेटेजीज को स्टडी करके प्रिंसिपल्स अपने जीवन में फॉलो कर सकते हैं। सक्सेसफुल लोग खुद को रोल मॉडल के रूप में प्रेजेंट करते हैं और हमेशा वैल्यूएबल एडवाइस शेयर करते हैं। एक्टर टॉम हैंक्स परसिस्टेंस फॉलो करते हैं। उन्हें मॉडर्न डे का जिमी स्टीवर्ट कहा जाता है। न केवल वह एक अवार्ड विनिंग एक्टर हैं, बल्कि उन्होंने राइटिंग, डायरेक्टिंग और प्रोड्यूसिंग में भी अपने प्रयासों का विस्तार किया। अपने शुरुआती वर्षों में वह एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री में रोल करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए। उन्होंने बार बार टीवी शोज के लिए ऑडिशन दिया लेकिन उन्हें लगातार रिजेक्ट कर दिया गया। उसने कभी हार नहीं मानी। उसका एक सपना था और वह सपने को पूरा करने की कोशिश करता रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। फाइनली 1980 में उन्होंने बॉसम फ्रेंड्स नामक एक सिटकॉम पर एक नौकरी की। उन्हें पर एपिसोड के ओनली $5,000 पे किया गया था और सिटकॉम केवल 2 साल तक चला, लेकिन एंड में एक्सपोजर ने उन्हें पहला बड़ा ब्रेक दिया, फिल्म स्प्लैश में एक लीड एक्टर में काम। टॉम ने कभी भी रिजेक्शन को अपने गोल से दूर नहीं होने दिया। उन्होंने प्रसिस्टेंसी फॉलो की। आज उन्होंने 60 से अधिक फिल्में बनाई हैं और आज पर फिल्म $1 मिलियन कमा रहे हैं। टॉम हैंक्स ने संकल्प लिया था और इसी ने उन्हें सक्सेसफुल बनाया। नंबर 5, द पावर ऑफ मास्टरमाइंड। हिल कहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड हमारे थॉट्स और एक्शंस को शेप देने में एक मेजर रोल प्ले करता है। उनका सुझाव है कि सबकॉन्शियस माइंड की पावर का यूज करके हम अपने फाइनेंशियल गोल्स को इजीली हासिल कर सकते हैं। अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने पर्पस के साथ अलाइन करके हम लेस एफर्ट्स में ही अपने गोल्स तक पहुंच सकते हैं। यह समझकर शुरुआत करें कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके थॉट्स और एक्शंस को रियलिटी में बदल देगा। अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने पर्पस के साथ अलाइन करो। नेगेटिव थॉट्स को खत्म करने की कोशिश करें और अपने पॉजिटिव थॉट्स में बदलें। रिच लोगों की लिस्ट देखकर आप ये जानेंगे, जिसने बहुत अधिक वेल्थ अर्न की है, आप पाएंगे कि उन्होंने मास्टरमाइंड टेक्निक्स को लाइफ में प्रैक्टिकल किया है। डॉक्टर वेस्ट मिस्टर राइट का इलाज कर रहे थे, जिन्हें लिम्फोसारकोमा नामक कैंसर था। सभी ट्रीटमेंट्स फेल हो गए थे और टाइम निकलता जा रहा था। मिस्टर राइट की नेक, चेस्ट, स्टमक और वेस्ट ट्यूमर से भरे हुए थे। डॉक्टर वेस्ट ने उससे एक वीक तक जिंदा रहने की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन मिस्टर राइट जीने के लिए एक्साइटेड थे और उन्होंने क्रेब्यूजेन नामक एक नई मेडिसिन को ट्राई करने का सोचा। उसने अपने डॉक्टर से नई मेडिसिन के साथ उसका इलाज करने के लिए रिक्वेस्ट किया, लेकिन मेडिसिन केवल उन्हीं को मिलेगा जिनके पास जीने के लिए कम से कम 3 महीने बाकी हैं। मिस्टर राइट एलिजिबल नहीं थे, लेकिन मिस्टर राइट ने हार नहीं मानी। उसने अपने डॉक्टर को तब तक परेशान किया जब तक कि डॉक्टर इलाज के लिए हाँ नहीं कहते। डॉक्टर वेस्ट ने अपने पेशेंट को बेड से बाहर घूमते हुए पाया। मिस्टर राइट के ट्यूमर द एक गर्म स्टोव पर स्नोबॉल की तरह पिघल गए थे। क्रेब्यूजेन की पहली खुराक के 10 दिन बाद मिस्टर राइट ने हॉस्पिटल छोड़ दिया। 2 महीने तक क्रेब्यूजेन की एक मिरेकल मेडिसिन के रूप में फ्री प्रमोशन करते रहे। फिर रिपोर्ट से पता चला क्रेब्यूजेन मेडिसिन इतना खास नहीं है। मिस्टर राइट ने जो पढ़ा
उस पर भरोसा किया और नेगेटिव थिंकिंग करने लगे और उनका कैंसर वापस आ गया। इस बार डॉक्टर वेस्ट, जो वास्तव में अपने पेशेंट को बचाने में हेल्प करना चाहते थे, उन्होंने डरपोक बनने का फैसला किया। उसने मिस्टर राइट से कहा कि न्यू वर्जन मेडिसिन पहले से भी ज्यादा पावरफुल है, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। मिस्टर राइट अगले 2 महीने के लिए फिर से अच्छा महसूस कर रहे थे। तब अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने यह घोषणा करके इसे उड़ा दिया कि कैब्रियोजेन रिपोर्ट ने साबित कर दिया कि दवा पूरी तरह से बेकार थी। इस बार मिस्टर राइट का अपने इलाज पर से विश्वास उठ गया। उनका कैंसर तुरंत वापस आ गया और 2 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। समरी फॉर यू: नंबर 1 डेफिनेटेंसेस ऑफ पर्पस, नंबर 2 फेथ, नंबर 3 स्पेशलाइज्ड नॉलेज, नंबर 4 परसिस्टेंस, नंबर 5 द पावर ऑफ मास्टरमाइंड। उनकी डेथ उनकी थॉट्स की वजह से हुई। उम्मीद करते हैं आप सारे टेक्निक्स लाइफ में अप्लाई करोगे और वो सारी गलती नहीं दोहराओगे जो स्टोरी में आपने देखा।